हेलो दोस्तों, आज हमने तैयार किया है 650 VA का 12 वोल्ट का ये इन्वर्टर। दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है, इसे आप भी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या क्या सामान लगता है, कैसे इसकी वायरिंग की जाती है और कैसे ये सेट किया जाता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों ट्रांसफार्मर हमने ठोक कर तैयार कर लिया है और ये दोस्तों न्यूट्रल होता है, जो सिंगल वायर निकलती है और उसके बाद जो होती है वो चार्जिंग का होता है। और इसमें दोस्तों दो आउटपुट दे रखी हैं, एक कम वोल्टेज की है, एक ज़्यादा वोल्टेज की है। और दोस्तों एक ये जोड़े इसके हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया है। ये दूसरा ट्रांसफार्मर ने तैयार किया हुआ देख सकते हैं, ये आउटपुट है दोस्तों ज़्यादा वोल्टेज की है, कम वोल्टेज की, और ये चार्जिंग और ये न्यूट्रल। और ट्रांसफार्मर की आगे की साइड चार वायरें निकली होती हैं, दो प्लस की होती हैं दोस्तों और दो किट की स्ट्रिंग पर लगती हैं। दोस्तों इन वायर को भी सीरीज की मदद से चेक करके लगाया जाता है, वो भी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये बॉडी है जिसमें हम इन्वर्टर तैयार करेंगे, ये हमने 5 एम्पीयर का इसमें सॉकेट को कस दिया है। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर हम इसमें लगा रहे हैं वो 4 नंबर 3.5 इंची का है एल्यूमिनियम में। ये दोस्तों हमने बॉडी में 4 लैग लगा दिए हैं। आगे दोस्तों इसका डायल है जो अलग से है, वो हमें इसमें लगाना है। इसमें दोस्तों एक पंखा लगाना है 12 वोल्ट का और एक मैन लीड लगानी है। सॉकेट हमने दोस्तों लगा दिया है इसमें। एक हमें फ्यूज़ होल्डर लगाना है और इस इन्वर्टर में दोस्तों डायल है, डायल में ये वाला स्विच लगता है, तो ये स्विच इसमें लगेगा। और एक स्विच दोस्तों पीछे की साइड होता है जो कि हाई चार्जिंग और लो चार्जिंग का होता है, तो उसके लिए हम ये स्विच लगाएंगे। और इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करने के लिए 6 mm की वायर को लगाएंगे। दोस्तों स्विच और सॉकेट को मैंने कस लिया है, अब इसमें हमें एक फ्यूज़ होल्डर लगाना है और जो प्लस माइनस की वायर निकलेगी वो दोस्तों वो यहाँ से निकलेगी और पंखा यहाँ पर कस लेंगे। दोस्तों ये 126 की किट है 650 VA की। इसमें दोस्तों 4 मोसफेट लगे हुए हैं Z44, किसी में Z44 होते हैं, किसी में P55 होते हैं। दोस्तों इस किट की खास बात यह है कि इसमें प्रीसेट लगे होते हैं जिससे हम आउटपुट वोल्टेज को बड़ा घटा सकते हैं और चार्जिंग एम्पेयर और चार्जिंग कट को भी अपने अनुसार लगा सकते हैं। दोस्तों इस किट को किसी भी स्क्वायर वेव इन्वर्टर में लगा सकते हैं। ये इस इन्वर्टर का डायल है, इसको हमें कसना है। इसमें स्विच मैंने लगा दिया है देख सकते हैं, और इसमें एलईडी लगी होती है दोस्तों, एलईडी के लिए प्लेट होती है अलग से, उसमें ये एलईडी हम लगा रहे हैं। वाइट कलर की एलईडी मैंने इसमें लगाई है और ये डायल दोस्तों इस तरीके से आ जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। दोस्तों एलईडी की छोटी वाली टांग को ऊपर की साइड करके सोल्डिंग कर देंगे। ये दोस्तों ऊपर की साइड एलईडी की छोटी टांग है। अब दोस्तों डायल को कस लेते हैं। अब ट्रांसफार्मर और किट को रखकर निशान लगाकर ड्रिल से गड्ढे कर लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों डायल को मैंने कस लिया है और ट्रांसफार्मर को भी बॉडी में कस दिया है। पीछे मैन लीड लगा दी है, स्विच लगा दिया है और फ्यूज होल्डर, पंखा, सॉकेट, सारा सामान बॉडी में कस लिया है। ये दोस्तों न्यूट्रल होता है, ये चार्जिंग और ये दोनों आउटपुट। अब दोस्तों
जो ट्रांसफॉर्मर में ये चार वायरें निकली हैं इनको हम चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर की मदद से, जिससे कि हम दो वायरों को प्लस का बनाएंगे और दो वायरों को गेट की स्ट्रिंग पे लगाने के लिए बनाएंगे। तो दोस्तों इनको मैंने छील लिया है ताकि चेक करने में आसानी रहे। अब दोस्तों मल्टीमीटर को बजर पर कर लेना है। मैं आपको मल्टीमीटर के दोनों लीडों को आपस में मिला के दिखा देता हूँ। सुन सकते हैं दोस्तों बजर की साउंड आ रही है। अब दोस्तों हमें एक मल्टीमीटर की लीड को इस वायर पर लगना है, दूसरी को इस वायर पर रखना है। दोस्तों आप आवाज़ सुन सकते हैं, बजर की आवाज़ आ रही है, मतलब ये दोनों वायरें एक ही है। दोस्तों एक सिरा यह है और दूसरा सिरा यह है, इसलिए बजर इन दोनों वायरों पर बज रहा है। अब दोस्तों इसी तरीके से हमें इस वायर पर और इस वायर पर लीड लगा के चेक कर लेना है। दोस्तों मैंने ये चेक कर रखा है और इन दोनों पर भी बजर की साउंड आ रही थी। मैंने आपको दोस्तों तरीका बता दिया, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों चेक करने पर ये और ये वायर एक है और ये दोनों वायरें एक हैं। अब दोस्तों इन दोनों वायर को हमें प्लस का बना देना है मिलाकर, और ऊपर की जो दोनों वायर हैं ये स्ट्रिंग पर लगाने के लिए तैयार कर लेते हैं। अब प्लस वाली इन दोनों वायरों को छील कर इन पर एल्युमिनियम का थिम्बल लगा कर तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों एल्युमिनियम का थिम्बल मैंने इस पर पंच कर दिया है। इसको दोस्तों अच्छे से पंच करना है ताकि लूजिंग ना रहे। अब प्लस की लीड को इस थिम्बल के साथ हम लगा देंगे। इस वायर को थिम्बल के साथ नट बोल्ट लगाकर अच्छे से टाइट कर देना है ताकि लूजिंग ना रहे। अगर लूजिंग रहेगी तब इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। और इन दोनों वायर को मैंने छल्ला बनाकर तैयार कर लिया है। अब इनको आसानी से हम किट पर लगा सकते हैं। इन दोनों हिस्टिंग पर ये वायर आसानी से हम लगा देंगे। और ये दोस्तों इसका माइनस होता है किट का, इस पर माइनस की वायर की हम सोल्डिंग कर देंगे। आप चाहें तो थिम्बल लगाकर नट बोल्ट से टाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर सोल्डिंग करूँगा। मैंने इस पर दोस्तों किट को रोकने के लिए 1 इंची के पेच लगाए हैं और स्पेस लगा दिए हैं ताकि किट नीचे टच ना हो। प्लस वाली लीड को मैंने ट्रांसफार्मर के थिम्बल के साथ टाइट कर दिया है। इसको दोस्तों दबाकर थोड़ी अंदर की साइड कर देंगे ताकि किट पर ये टच ना हो। दोस्तों अभी हमें इस पर टेप भी लगाना है, लेकिन टेप तब लगाएंगे जब प्लस की वायर किट पर से उठाकर इस पर लगा देंगे। और माइनस की वायर को भी मैंने किट पर लगा दिया है। अब इसको इन्वर्टर में फिट कर देते हैं। दोस्तों इन दोनों काली और लाल वायरों पर हम अंदर से टाई लगा दे रही हैं ताकि वायर को खींचने पर भी ट्रांसफार्मर और किट पर असर ना पड़े। दोस्तों किट को भी हमने इन्वर्टर में लगा दिया है। अब थोड़ा वायरिंग के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों प्लस वीई जो लिखा है उस वाली पिन पर दोस्तों बैटरी का प्लस की वायर आएगी, और उसके बाद दोस्तों सीएस लिखा है उस पर आएगी चार्जिंग की वायर, और जो तीसरा वाला है न्यूट्रल उस पर न्यूट्रल की वायर आएगी। तो दोस्तों बैटरी का प्लस हमें इस वाले बैटरी के प्लस से लेना है, और बीच वाला जो होता है वो चार्जिंग का होता है। चार्जिंग का आएगा ट्रांसफार्मर की जो दूसरी वाली टिपिंग होती है न्यूट्रल के बाद, ये वाली एक वायर इस पर लग जाएगी। और दोस्तों ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल एक न्यूट्रल ये है, और दूसरा सॉकेट का न्यूट्रल होता है, और तीसरा जो होता है वो मैन गेट का न्यूट्रल होता है। इन तीनों न्यूट्रल को आपस में मिलाकर एक वायर न्यूट्रल की यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों 3 पिन का जैक एक और लगा है इसमें। इसमें देख सकते हैं मेन लिखा है, उसके बाद इन्वर्टर, और तीसरा जो है आउटपुट का है। तो मेन की जो वायर आएगी वो फ्यूज़ पर आ जाएगी, और फ्यूज़ के दूसरे वाले पॉइंट पर मैन गेट की लाल वाली वायर को लगा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों बीच वाला जो है वो है इन्वर्टर का। यहाँ पर दोस्तों हमें ट्रांसफार्मर की आउटपुट देनी है। आउटपुट दोस्तों 2 हैं, इसमें हम ज़्यादा वाली देंगे। आप चाहें तो कम वाली लगा सकते हैं, वो आप चेक कर सकते हैं जब इन्वर्टर चलेगा।
उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आउटपुट लिखा है, तो यहाँ से एक वायर उठकर आउटपुट के सॉकेट पर लग जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से इसकी वायरिंग होती है, तो इसको हम करेंगे। दोस्तों इस किट की वायरिंग मैं 1456 वायर से करूँगा। सबसे पहले ये प्लस का पॉइंट है, तो यहाँ पर हमें प्लस का कनेक्शन देना है, तो उसके लिए मैंने ये रेड कलर की वायर ली है। बाकी जो वायरिंग करूँगा मैं दोस्तों ब्लैक वायर से करूँगा। दोस्तों 3 पिन के जैक के लिए मैंने 3 पिन बना लिए हैं, अब मैं इन 3 पिनों को जैक में फिट कर दूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जैक है, इसको इस तरीके से लगाना है। अब 3 पिनों को मैं इसमें डाल दूँगा। दोस्तों पूरी वायरिंग मैं ब्लैक से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे पास मोटी वायर है 1456 की, वो एक ही कलर की है। बाकी है मेरे पास और भी कलर की वायरें, लेकिन ये सब हल्की हैं। दोस्तों 3 पिन का जैक तैयार हो चुका है। ये रेड वाली वायर प्लस पर से आई है, और उसके बाद जो दूसरी वाली वायर है वो चार्जिंग की है। ये दोस्तों ट्रांसफार्मर की दूसरी वाली टिपिंग से आई है, ये देख सकते हैं। इस पर मैंने स्लिप भी चढ़ा दी है, और उसके बाद जो तीसरी वाली वायर है वो सीधे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल पर आई है। फिर वहीं से एक वायर हमने उठाकर सॉकेट पर लगा दिया, और उसी के साथ मेन लीड की काली वायर को भी लगा दिया है, और लीड की तीसरी वाली वायर को अर्थिंग पर लगा दिया है। अब दोस्तों 3 पिन का जो जैक है इसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है दोस्तों वो मेन का होता है, और दूसरे वाले पॉइंट को ट्रांसफार्मर की आउटपुट दी जाती है। दोस्तों हम पहली वाली टिपिंग लगाएंगे ज़्यादा वाली, और उसके बाद जो तीसरा वाला है वो आउटपुट का होता है, वो आउटपुट निकालता है, तो उसकी वायर सॉकेट पर लग जाएगी। देख सकते हैं दोस्तों इस जैक की वायरिंग हो चुकी है। इसमें जो सबसे पहली वाली जो हमने वायर लगाई है वो इनपुट की लगाई है। इनपुट की वायर हमने फ्यूज से काटी है, ये मेन लीड की वायर है रेड वाली, और उसके बाद जो दूसरी वाली वायर है उसे मैंने आउटपुट दी है। इसे मैंने ज़्यादा वोल्टेज वाली आउटपुट दी है, अगर आप चाहें तो कम वोल्टेज वाली टिपिंग भी लगा सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो तीसरी वाली वायर है उसे मैंने सीधे आउटपुट वाले सॉकेट पर लगा दिया है। अब दोस्तों पंखे के कनेक्शन कर लेते हैं। देख सकते हैं इसमें जैक लगा हुआ है, वो सॉकेट तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए जो किट के साथ जैक मिलते हैं वो जैक हम इसमें लगाएंगे। और दोस्तों हाई चार्जिंग लो चार्जिंग के लिए इसमें एक जैक है और एक UPS इन्वर्टर का है, उसे ऐसे छोड़ देंगे। जो हाई चार्जिंग वाला जैक है उसको हम स्विच के साथ लगा देंगे। ये स्विच है, इसके साथ हम लगा देंगे क्योंकि इस पर हाई चार्जिंग लो चार्जिंग का लिखा हुआ है। और ये दोनों ट्रांसफार्मर की वायरों को दोनों हिस्टिंग पर लगा देना है। दोस्तों इन वायरों पर मैंने केबल टाई लगाकर सेट कर दिया है, और पंखे का जैक भी मैंने लगा दिया है। दोस्तों ये जैक ध्यान से लगाएं क्योंकि इस पर लिखा होता है प्लस और माइनस, प्लस माइनस देख कर ही पंखे का जैक लगाएं। और ये हाई चार्जिंग लो चार्जिंग का जैक भी मैंने लगा दिया है। अब दोस्तों LED जैक और स्विच के जैक के कनेक्शन कर देते हैं। ये स्विच का जैक है दोस्तों, इसको इन दोनों वायर को स्विच पर लगा देंगे, और ये LED जैक है इसको LED पर लगा देंगे। जो नीचे का होता है दोस्तों ये ग्राउंड है, इस पर ग्राउंड की वायर लगाएंगे। तो दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वायर कौन सी LED है। पहली वायर दोस्तों ओवरलोड की है, फिर बैटरी लो, इन्वर्टर, मेन, ग्राउंड, फिर चार्जिंग। इस तरीके से दोस्तों LED जैक पर लिखा है, उसी हिसाब से आपको लगा देनी है। ये ग्राउंड है दोस्तों, तो ग्राउंड सबसे नीचे जो LED का ग्राउंड है उस पर लगा देंगे, और बाकी भी देख सकते हैं सब पर लिखा हुआ है। LED जैक और स्विच के कनेक्शन करती हैं, इन दोनों वायरों को भी एक बराबर काट कर थिम्बल लगाकर तैयार कर लेते हैं।
दोस्तों वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, इन्वर्टर तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। फ्यूज होल्डर में फ्यूज मैंने लगा दिया है। इन्वर्टर चेक करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा प्लेट साइट किस चीज का है। देख सकते हैं इसमें चार प्लेट साइट लगे हुए हैं। ये दोस्तों एम्पेयर का है, चार्जिंग एम्पेयर को बढ़ाने और घटाने के लिए। ये आउटपुट का होता है, इससे आउटपुट अपने अनुसार आप सेट कर सकते हैं। और ये चार्जिंग कट का है, जब ये प्रीसेट पूरा बंद होता है तब 13.8 पर कट करता है। अगर इसको आप दूसरी तरफ घुमाकर खोल देते हैं तब ये 15.2 वोल्ट पर चार्जिंग कट करता है। बाकी आप अपने अनुसार इससे सेट कर सकते हैं। और दोस्तों चौथा वाला प्रीसेट है, ये ओवरलोड का है। इन्वर्टर को मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, अब MCB को उठा देते हैं। स्विच ऑन करके देख लेते हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं UPS ऑन की LED जल रही है, इन्वर्टर ऑन हो चुका है। अब इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं कितने आउटपुट की निकाल रहा है। तो दोस्तों ये आउटपुट वाला प्रीसेट है 312 वोल्टेज ये निकाल रहा है। आप चाहें तो कम वाली टेपिंग भी लगा सकते हैं, नहीं तो प्रीसेट से आप कम वोल्टेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वोल्टेज मैंने कम कर दिए, 228 वोल्ट मैंने कर दिए इसके। और ये 100 वाट का बल्ब और ये 300 वाट का लोड इससे चल रहा है। 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट आप आउटपुट के छोड़ सकते हैं। स्विच बेस का सही काम कर रहा है। अब दोस्तों मेन लगाकर मेन और चार्जिंग चेक कर लेते हैं। मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी ये करने लगा है, देख सकते हैं दोस्तों 9.5 एम्पियर ये दिखा रहा है, लेकिन स्विच वाला मीटर होता तो 18 एम्पियर दिखाता। पंखा इसका चल रहा है, देख सकते हैं ये प्रीसेट एम्पियर का है, इससे एम्पियर को बढ़ाया घटाया जा सकता है। ये प्रीसेट चार्जिंग कट का है, इससे चार्जिंग कट को बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो मैंने कट लगा दिया है, देख सकते हैं 13.2 बैटरी के वोल्ट है। अब कट को पीछे करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं कट को खोल दूंगा वैसे ही चार्जिंग की LED जल जाएगी और चार्जिंग आ जाएगी। तो देख सकते हैं चार्जिंग आ चुकी है और कट मैंने खोल दिया है। 14.2 वोल्ट हो रहे हैं, कट को लगा देंगे। अब 14.2 पर चार्जिंग कट लग चुका है और देख सकते हैं पंखा भी इसका बंद हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से इन्वर्टर तैयार होता है।